पॉल हेमन की यह तिरछी निगाहें तो कुछ और ही बयां कर रही है। तो गाइज, स्मैकडाउन के शानदार एपिसोड के बाद एक शानदार डार्क मैच भी देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि पॉल हेमन रोमन रेंस पर गुस्सा क्यों थे। साथ ही बात करेंगे स्मैकडाउन के ऑफ एयर को लेकर कि स्मैकडाउन के एपिसोड खत्म होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि पॉल हेमन रोमन रेंस की तरफ गुस्से से क्यों देख रहे थे। आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट बेहद शानदार था, जहां पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बिग ई ने स्मैकडाउन में दस्तक देते हुए जेवियर वुड्स के साथ मिलकर ब्लडलाइन की हालत खराब कर दी। यहां पर बिग ई ने रोमन रेंस पर जबरदस्त हमला किया, जिस वजह से रोमन रेंस को बीच में ही रिंग छोड़कर जाना पड़ा और पॉल हेमन को रोमन रेंस की भागने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोमन रेंस के रिंग छोड़कर भागने के बाद पॉल हेमन किस तरह गुस्से में उन्हें घूर रहे थे। और पॉल हेमन परेशान तो होंगे ही, क्योंकि वे पिछले इतने सालों से ब्रोक लेसनर के मैनेजर थे। ब्रोक लेसनर आज तक कभी भी इस तरह रिंग छोड़कर भागे नहीं है, लेकिन रोमन रेंस के साथ उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिल रही है, साथ ही उन्हें यह सब देखना पड़ रहा है। खैर, जो भी है, आज की स्मैकडाउन के बाद सर्वाइवर सीरीज के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन ऑफ एयर को लेकर। तो स्मैकडाउन ऑफ एयर के दौरान डार्क मैच देखने को मिला, जहां पर एक तरफ थी ब्लड लाइन और उनके सामने थे ड्रू मैकिंटायर, बिग ई और जेवियर वुड्स। तो यह डार्क मैच हर बार की तरह ही थोड़ा ठीक ठाक सा मुकाबला था और इस मैच के दौरान फैंस ECW के नाम के चैंट लगा रहे थे। तो पॉल हेमन जोश में आकर कोट उतार फेंकते हैं और पॉल यहाँ पर माइक लेकर कहते हैं कि मैं जब रिंग में आऊँगा तब बताऊँगा कि क्यों ECW खत्म हो चुकी है। हालांकि यहां पर उनका ऐसा करना फैंस के लिए काफी एंटरटेनिंग था। तो गाइज, क्या हैं आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।